आवाज शुरू कर दिया। इधर आप इसको आप लो इसको थोड़ा सा उसको हटा दे जो बॉक्स है वो बॉक्स बॉक्स को हटा दे दिखाई दे रहा है ठीक है तो पैसा जो है ना रोहित बॉक्स को हटा दे इसको हटा दे कैसे पैसा निकालता था पैसा जो निकालते थे आधार नंबर आपके पास था और किसी का भी आधार नंबर और फिंगरप्रिंट आप ऑनलाइन लिए हुए थे ऐसे यही है ना जो वादी का है जो इस केस का वादी है फिंगरप्रिंट है अब इसमें हम फिंगरप्रिंट स्कैन कैसे करते थे आधार नंबर डाले आधार नंबर डालिए वादी का आधार नंबर डालेंगे ठीक है मोबाइल नंबर का जरूरत नहीं है कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे तो हो जाएगा अच्छा उसके बाद उसको नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा ठीक है चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे स्कैन करेंगे तो आधार स्कैन होगा डिजिटली जी कर लगाइए ये देखिए ये आपका आधार भी सक्सेसफुल हो गया मतलब पैसा आराम से ट्रांजेक्शन हो गया है ना तो डिजिटल फिंगरप्रिंट तरीके से आप हाँ डिजिटल ये मतलब ये CSP का है ID है तो इसे ये डिजिटली फिंगरप्रिंट लगा करके डायरेक्टली सक्सेस हो गया इसका ठीक ठीक है लेकिन जी सर क्या है मामला ये मामला है जो 25/7/2023 को भूला पासवान वादी है जो ग्राम रोसरा का है ये साइबर थाना में आते हैं और बताते हैं कि इनके अकाउंट से पैसा निकल गया है ये कोई भी CSP सेंटर पे नहीं गए कोई बैंक में नहीं पैसा ट्रांजेक्शन किए लेकिन इसके अकाउंट से पैसा का निकासी कर लिया गया तो हम लोग इसमें छानबीन किए तो जो CSP से ID से पैसा निकला था तो उसके अभियुक्त को पकड़ करके हम लोग ऑलरेडी जो रोशन कुमार है उसको ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं उसके बाद पता चला कि रोशन कुमार की उसको डिजिटल फिंगरप्रिंट उस आदमी का जो वादी है भूला पासवान उसका उसके पास अवेलेबल था तो वो फिंगरप्रिंट जो है देने वाला चंदन कुमार एक अपराधी था जिसको सारे फिंगरप्रिंट्स बहुत सारे मतलब कि मोर देन 200 फिंगरप्रिंट्स एक जगह जिससे पैसा निकला हुआ है कलेक्टर थे तो वो फिंगरप्रिंट चंदन कुमार के पास से निकला था ये चंदन कुमार थे जो अभी आपको डेमो दिखलाए हैं तो चंदन कुमार ने बताया कैसे ये पैसा निकालता था तो ये सबसे पहले क्या करते थे कि सभी जो भी CSP पे आधार वेरीफाई करने के लिए आए या पैसा निकालने के लिए आए तो उसका पांचों उंगली का फिंगरप्रिंट ले करके सेव कर लेते थे और बाद में जो ओरिजिनल जो CSP धारक होता है उसमें फिंगरप्रिंट सेव नहीं होता है तो ये लोग क्या करते थे एक सॉफ्टवेयर परचेज करते थे 3-4 सॉफ्टवेयर था वो सॉफ्टवेयर में भी आपको गूगल क्रोम के थ्रू URL लॉगिन करते हैं वहाँ पर वो URL लॉगिन करके फिंगरप्रिंट को सेव करते थे वो URL में भी आप लॉगिन करके हम लोगों ने देखा तो URL खुल नहीं रहा वेबसाइट क्यों क्योंकि वो भी मास्क था तो हम लोग उसको भी उद्भेदन करके अब जो मेन इसका जो वेबसाइट वैसा बनाया है वहाँ तक पहुँचेंगे लेकिन चंदन कुमार जो समस्तीपुर में रह करके लोकल लोगों का फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके और फिर पैसा निकासी करवाने का तीसरा जो रोशन कुमार जिसको हम लोग जेल भेज चुके हैं उसके द्वारा करता था उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार कर लिया है इसमें जो जो मोडस ऑपरेंडी जो रहा है वो तो बता दिया आपको इसमें जो कंपनी यूज हुआ है दो तीन चीज़ इसमें बहुत गौर करने वाली चीज़ है बिजनेक्स्ट कंपनी का CSP है इसका बिजनेक्स्ट में होता क्या है कि ये CSP का ID लॉगिन करने के लिए उस आदमी जिसके नाम से CSP चल रहा है उसका फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए होता है फिंगरप्रिंट नहीं केवल उसमें OTP जाता है मोबाइल पे तो वो आदमी अगर लोकल में नहीं भी रहता है तब भी उसका CSP कोई चला सकता है तो ये RBI गाइडलाइन के अनुसार नहीं है तो हम लोग बिजनेक्स्ट कंपनी को भी नोटिस दे रहे हैं साथ में जो ये साइबर फ्रॉड को मतलब फिंगरप्रिंट सेव करने का जो 3-4 वेबसाइट क्रिएट किया हुआ उसका भी हम लोग डिटेल मंगवा करके उसको भी अपराधी जो ये ओरिजिनेट किया है उसको भी हम लोग उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे इस में जो हमारा जब्ती किया गया है ये इनके द्वारा एक पेनड्राइव था जिसमें 1890 से ज़्यादा पेनड्राइव कलेक्टेड था उसका मोबाइल है जिसके थ्रू ये CSP संचालन करता था लैपटॉप में भी सेम डेटा मिला है और उसके बाद इनके पास पैसा गिनने का मशीन था और एक लॉकर था ये सारी चीज़ें थी इनको पकड़ करके फॉरवर्ड किया जा रहा है इसमें गिरफ्तारी में हमारा जो टीम जो बेहतरीन काम किया है सब इंस्पेक्टर फैजुल अंसारी
सब इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, और इस कांड के अनुसंधानकर्ता जो है कृष्ण कुमार प्रसाद पुलिस निरीक्षक हैं, और इसके साथ ही इस केस का पूरा 100% उद्भेदन हो गया है। जो बाकी गिरफ्तार अभियुक्त है जो सॉफ्टवेयर से टोटल मतलब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कह लीजिए उसको रिलेटेड है, जो यहाँ समस्तीपुर में नहीं बैठा है कहीं दूर बैठा है, तो उसको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हैं। जैसे कि अब तक कितने ग्राहकों ये चूना लगा चुका है? ये अभी तक हम लोगों निकाले तो लगभग 20 से 25 ग्राहकों का ये क्या करते हैं, 20 से 25 ग्राहकों का पैसा ज्यादा नहीं है, लगभग 2 लाख के आसपास पैसा निकासी हुआ, लेकिन ग्राहक 20 से 25 है और सबके अकाउंट से 2000 से 10000 के बीच का एक अमाउंट निकला ताकि वो कंप्लेन करने नहीं आए। इसी में एक और कांड का हमारा उद्भेदन हुआ है, कांड संख्या 30/23 साइबर थाना, वो भी उसका भी वादी जो है हमारा बिमलेश महतो है, वो भी एक साइबर थाना में आकर के कंप्लेन दर्ज कराए थे, तो उसका भी इसी जो अभियुक्त है चंदन कुमार एवं रोशन कुमार इन्हीं के द्वारा पैसा निकासी किया गया और उसको उद्भेदन किया।